श्रीमद्भगवद गीता अध्याय एक श्लोक 11। अयन्येषु च सर्वेषु यथा भागं वस्थिता भीष्म अभिरक्षन्तु भवन्त सर्व एव हि। दुर्योधन भीष्म पितामह को खुश करने के लिए उनको ये शब्द कहता है, अपने सेनापतियों को, कि सारे के सारे सेनापति, हमारे प्रधान सेनापति जो कौन है, भीष्म पितामह है, अपनी अपनी ओर से उनकी रक्षा करो, व्यूह रचना ऐसी बनाओ कि उनको किसी भी तरह की हानि ना हो। इस बात का मर्म क्या है? इस बात का मर्म ये है कि एक तो भीष्म पितामह कौन है, यहाँ वो प्रधान सेनापति है। प्रधान सेनापति का मतलब ये है कि पूरी की पूरी सेना की जिम्मेदारी उनके कंधों पे है, उनके हिसाब से संचालित होनी है सेना। क्योंकि जब भी कोई युद्ध लड़ा जाता है तो एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसके इशारों पे काम होता है। अगर पावर कंट्रोल एक से ज़्यादा हाथों में होगा तो चीज़ें खराब हो जाती हैं। तो एक व्यक्ति को नेता बनाया जाता है तो उसका नाम होता है प्रधान सेनापति। ठीक है, जैसे यहाँ भी हमारे तीनों सेनाओं के अलग अलग हेड हैं, चाहे वो नौसेना है, चाहे वो थल सेना है, चाहे वो जल सेना है। ठीक, तीनों सेनाओं के अलग अलग हेड हैं। तो यहाँ प्रधान सेनापति कौन है? भीष्म पितामह। दूसरी बात, यहाँ भीष्म पितामह को खुश करना चाहता है दुर्योधन, क्योंकि वो मन से भीष्म पितामह किसके पक्ष में है? पांडवों के पक्ष में है, क्योंकि धर्म पांडवों के साथ है। और क्या पक्ष है यहाँ पे? और ये पक्ष है कि भीष्म पितामह की रक्षा क्यों जरूरी है? भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली हुई है कि मैं शिखंडी को नहीं मारूंगा। शिखंडी कौन है? धृष्टद्युम्न का भाई है। और धृष्टद्युम्न कौन है? द्रौपदी का भाई है, यानी ये तीन भाई बहन हैं। और द्रुपद का पुत्र है। द्रुपद कौन है? द्रोणाचार्य के मित्र भी हैं और एक द्रुपद राजा भी हैं। एक कहानी ये थी कि एक स्वयंवर हुआ जिसमें अपने छोटे भाई विचित्र वीर्य के लिए अम्बा, अंबिका और अम्बालिका तीन राजकुमारियों को भीष्म पितामह उठा लाए उनकी इच्छा के विरुद्ध। स्वयंवर हो रहा था क्योंकि विचित्र वीर्य खुद गए तो थे नहीं, ये बाहुबली थे, इन्होंने आजीवन कुंवारे रहने का निर्णय लिया था, शादी ना करने का संकल्प लिया था भीष्म पितामह ने। तो अपने छोटे भाई के लिए उस स्वयंवर में से वो तीनों राजकुमारी को उठा के ले आए। उनमें से एक राजकुमारी किसी और से प्रेम करती थी, वो शादी करना नहीं चाहती थी विचित्र वीर्य से। तो वहाँ से उसको उठा के जब ले आए तो वो उसने श्राप दिया भीष्म पितामह को, भाई तुम्हारा अंत मेरे कारण होगा। तो वो अगले जन्म में वो शिखंडी के नाम से पैदा हुई महिला से पुरुष बन गया। वो महिला रूप में पैदा हुई थी, वो पुरुष बन गया शिखंडी के नाम से। फिर वो युद्ध में भाग ले रहा है कौरवों के विरुद्ध, क्योंकि द्रुपद, धृष्टद्युम्न और शिखंडी ये सारे किसके पक्ष में हैं? पांडवों के पक्ष में हैं। और भीष्म पितामह को ये पता है कि ये शिखंडी, इसने लिंग परिवर्तन कराया अपना, लेकिन ये है एक्चुअल में लड़की, इसलिए अगर ये मेरे सामने आ गई शिखंडी तो मैं इसके ऊपर युद्ध के दौरान कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, कोई भी हथियार नहीं उठाऊंगा। ये उनकी प्रतिज्ञा थी, प्रण था। किसका था? पितामह भीष्म का। तो दुर्योधन एक तीर से दो निशाने लगा रहा है, पहला तो वो खुश कर रहा है भीष्म पितामह को, दूसरा वो ये अश्योर कर रहा है भी किसी भी तरीके से शिखंडी इनके सामने ना आ जाए। तो इसलिए कह रहा है भाई इनकी रक्षा में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए, सारी की सारा युद्ध संचालन इस तरह से हो, सारे के सारे महारथियों को यह आदेश है कि वो भीष्म पितामह की रक्षा करें। इस श्लोक का ही अर्थ है। आगे चलते हैं। तस्य संजन्य हर्ष कुरु वृद्ध पितामह सिंहनाद विंध्यो चई शंख दम्यो प्रतापवान। दुर्योधन ने जब ये शब्द कहे तो भीष्म पितामह ने दुर्योधन को खुश करने की दृष्टि से, भाई किसी तरह से ये प्रसन्न हो जाए, दुर्योधन प्रसन्न हो जाए, क्योंकि वो दुर्योधन राजकुमार है, उसकी वृत्ति के कारण और उसकी इच्छा के कारण ये युद्ध लड़ा जा रहा है महाभारत का, तो उसके उसको खुश करने के लिए अपना शंख बचाया जिसने सिंह जैसी गर्जना करी आकाश के अंदर, बहुत ज़्यादा आवाज के अंदर वो जो शंख था भीष्म पितामह का, उसने पूरा गुंजायमान कर दिया आकाश को। अब यहाँ पे वो कहते हैं कि कुरुवृद्ध, कुरुवृद्ध का अर्थ क्या है? कुरु मैंने कुरुवंश, और वृद्ध का मतलब सबसे जो वृद्ध है। वृद्ध तो और भी लोग हैं वहाँ पे, भीष्म पितामह के चाचा भी जीवित हैं, वो उनसे ही वृद्ध हैं, लेकिन ज्ञान वृद्ध होने की वजह से, क्योंकि ज्ञान में और शक्ति में वो सर्वश्रेष्ठ हैं भीष्म पितामह, इसलिए यहाँ कुरुवृद्ध कह के
संबोधित किया। और ये तो कहने की बात ही नहीं है कि पितामह जो हैं उनको एक वरदान भी ऐसा मिला हुआ है, इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ है, ठीक है, तो उनसे प्रतापी भी कोई नहीं है, इसलिए प्रतापवान शब्द लगा दिया यहाँ पे। तत्शंकाश्य भैर्यश्च पनवानक गोमुखा सहसेव्य अभियंत सा शब्दस्य तुमलो अभवत। उसके बाद बहुत सारे शंख, जैसे ही भीष्म पिता ने अपना शंख बजाया, उसके बाद अलग अलग शंख, नगाड़े, ढोल, मृदंग खूब बजने लगे और उन्होंने एक पूरा आसमान को आनंदित और गुंजायमान कर दिया। क्योंकि हमारी परंपरा क्या थी, युद्धों के दौरान सब अपने अपने वाद्य यंत्र बजाते थे और वो उसके दो फायदे होते थे, एक तो जोश भर देते थे सैनिकों के अंदर, जब भी सैनिक युद्ध मैदान में जाएंगे तो जिसकी शंखों की मृदंग की ध्वनि ज़्यादा होगी, ज़्यादा गुंजायमान करेगा, ये माना जाता था कि वो सेना के अंदर ज़्यादा मनोबल है, ज़्यादा शक्तिशाली है वो सेना, तो वो सारे उत्साही तो थे ही युद्ध करने के लिए, एक तरफ पांडव थे एक तरफ कौरव थे, वहाँ 11 क्षोणी सेना थी, वहाँ 7 क्षोणी थी, तो जब वो 11 क्षोणी सेना के अलग अलग महारथियों ने, जिनको जिम्मेदारी मिली हुई थी मृदंग ढोल बजाने की, तो उन सब ने अपने अपने शंखों को, ढोल, मृदंग, नगाड़ों को बजाना शुरू कर दिया और पूरे के पूरे कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि के अंदर बहुत बड़ी एक किस्म की आवाज़, जैसे कहते हैं ना कर्ण भेदी आवाज़, जिसे कान के पर्दे फट जाएँ, ऐसी आवाज़ चारों तरफ गुंजायमान होगी। अब देखो कि पहले श्लोक के अंदर क्या था, पूरे 700 श्लोकों में एक ही श्लोक ऐसा है जो किसके मुख से कहलवाया गया है, धृतराष्ट्र के। पहला श्लोक ध्यान हो आप, पहले श्लोक में पूछा था धृतराष्ट्र ने संजय से, जो उनका कौन है, उनका दोस्त भी है, उनका सारथी भी है ना, उनका मित्र है, उससे क्या पूछा था कि हे संजय, युद्ध भूमि में युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या क्या किया। और दूसरे श्लोक से 13वें श्लोक तक, अपने 13वां श्लोक खत्म किया आज, दूसरे श्लोक से 13वें श्लोक तक संजय ने कौरवों ने क्या क्या किया वो बताया है, और कल से हम यात्रा शुरू करेंगे कि पांडवों ने क्या क्या किया आगे, ठीक है।